मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखिए स्वप्निल जैन की। बुंदेलखंड के गौरव महाराजा छत्रसाल बुंदेला की पुण्यतिथि पूरे भारत देश में मनाई जा रही है। महाराजा छत्रसाल ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। अपने राजपाट का त्याग कर भारत से मुगलों को भगाने वाले महापुरुष की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर पिछौर पहुंचे भाजपा नेता पंजाब सिंह यादव ने महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ कई युवाओं ने महाराजा छत्रसाल को याद कर नमन किया। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो हमारे महापुरुष थे महाराज छत्रसाल जी, उनके जीवन की जो गाथाएं हैं, ऐसे हजारों हजार जिन्होंने इस माटी के लिए अपनी जानें दी, राजपाट और ऐश की जिंदगी छोड़कर, सिर्फ इसलिए कि आने वाली हमारी पीढ़ी उस वीरता को संजो कर रखे और देश और अपनी माटी के प्रति सजग रहे और समर्पित रहे कि जब भी हमारी माटी और देश पर कोई बात आए तो हम हंसी हंसी इस देश और इस माटी के लिए अपना बलिदान दे दें। ऐसे ही महापुरुषों की वजह से आज देश पर मरने मिटने वालों की संख्या करोड़ों है। जब अगली खबर की ओर देखिए गुड्डू की रात। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना को लोगों तक पहुंचाने वाले 16वीं शताब्दी में जन्मे महान संत आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य की आज 575वीं जयंती के अवसर पर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शहर के सम्मानित जन प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, भाजपा नेता मनोज कटारे, व्यापार उद्योग मंडल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश जैन, अनाज तिलहन अध्यक्ष राधेश्याम महेश्वरी समेत कई लोग मौजूद रहे। 16वीं शताब्दी में जन्मे आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की 575वीं जन्म जयंती के महोत्सव पर हम अखिल भारतीय तारण तरण दिगंबर जैन युवा परिषद आदि इकाई विदिशा एवं सकल तारण तरण दिगंबर जैन समाज विदिशा की ओर से विगत 5 वर्षों से गुरु महाराज की जयंती के उपलक्ष में भोजन प्रसादी वितरण का कार्यक्रम हम सन 2018 से करते आ रहे हैं। स्वामी की 575वीं जयंती के उपलक्ष में भोजन प्रसादी का कार्यक्रम है और हर वर्ष ये कार्यक्रम किया जाता है। 5 वर्ष से लगातार ये कार्यक्रम हो रहा है, ये 6ठे वर्ष में इस कार्यक्रम का प्रवेश है और सभी लोग इस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं प्रसादी के रूप में और यही हमारी सभी लोगों से हमेशा मंगल कामना रहती है। अगली खबर देखिए गुड्डू की रात की विदिशा से। वत्सल स्कूल परिसर में अतुल्य भारत की झांकियां और बाल मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला और संस्था के संचालक देवा अरोरा ने माँ सरस्वती और गुरुदेव के समक्ष दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण कर दिया। इस बार मेले में अतुल्य भारत के विभिन्न राज्यों की संस्कृतियों की आकर्षक झलक देखने को मिली। देश की चारों दिशाओं में स्थित राज्यों की प्रमुख पहचान को बड़े ही शानदार तरीके से प्रदर्शित किया गया। इस दौरान चंद्रयान 3 के सफल अभियान को भी छात्रों ने आकर्षक मॉडल के द्वारा प्रदर्शित करते हुए उसके विभिन्न चरणों की जानकारी दी। मैं काफी समय से वत्सल परिवार से जुड़ा हूँ और जब भी यहाँ ऐसे आयोजन या कार्यक्रम होते हैं तो मेरी हमेशा सहभागिता रहती है और मैं हमेशा की तरह इस बार जो वत्सल स्कूल में ये बच्चों का मेला लगा गया है, बड़ा ही सुंदर मेला लगा और बड़ी अच्छी गैदरिंग है। पिछले वर्ष भी मैं आया था और मैंने मैडम को पिछली बार ही बधाई दी थी कि अच्छा आयोजन हुआ। हर वर्ष मतलब पिछले लास्ट 6-7 वर्षों से हम लोग लगातार ये लगा रहे हैं, कभी बाल दिवस पे लगाते थे, इस बार दीपावली पड़ने के कारण ये मेला डाल दिया गया था। पर पालकों की और बच्चों की स्पेशल डिमांड थी कि नहीं मैम हमको तो झूले झूलने हैं, तो स्पेशल झूले लगाए जाते हैं और 3 दिन पहले से लगाए जाते हैं जिससे सारे बच्चे एक एक करके नर्सरी टू 5th हर बच्चे को चांस मिले कि वो झूले पे एंजॉय कर सके। फिर आज के दिन मेला होता है 3 दिन बाद, पालकों के 7 बच्चे आते हैं, खाने की सामग्री जो टीचर्स ने स्कूल ने मिलके बनाई है, सब स्कूल में मतलब कोई भी चीज़ बाजार से नहीं है एक आइसक्रीम के अलावा, और कुछ खेलने के स्टॉल्स हैं और हाई स्कूल के बच्चे आज का जो विशेष आकर्षण है एग्जीबिशन लगाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, साइंस भी है उसमें, सोशल साइंस भी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल स्थित रैन बसेरे का निरीक्षण किया। वहां ठहरे मरीजों, उनके परिजनों और नागरिकों से व्यवस्था के संबंध में बातचीत की, साथ ही जरूरतमंदों को कंबल भी बांटा। संबंधित अधिकारियों को रैन बसेरे में व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अगली खबर देखिए कन्हैया राठौर की। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी द्वारा सदन के बाहर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल करने और उनकी नकल करने का वीडियो राहुल गांधी द्वारा बनाए जाने को लेकर देश भर में भाजपा द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। सीहोर के भाजपा नगर मंडल द्वारा टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी का पुतला जलाकर कल्याण बैनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल सीहोर द्वारा टीएमसी के सांसद कल्याण बैनर्जी का पुतला हमने जलाया है। 2 दिन पहले जो संसद भवन के परिसर में उनके द्वारा शर्मसार करने वाला एक वीडियो जारी हुआ,
जिसमें वह देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखेड़े जी का उपहास करते हुए दिखे और उसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी वहाँ मौजूद थे और वह भी वहाँ पर वीडियो बनाते हुए दिखे, हंसते हुए दिखे। तो इस तरह की कृत्य अगर देश में होंगे, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जिनका सम्मान पूरा देश करता है उनका अगर अपमान करने का काम कांग्रेस और टीएमसी के लोग करेंगे तो उनके विरोध में भारतीय जनता पार्टी इसी तरह आंदोलन करेगी। पुतले दहन। राजधानी भोपाल से हत्या का एक सनसनी मामला सामने आया है, जहां एक युवक की लाश गोविंदापुरा के जीवीएम स्कूल के पास झाड़ियों में मिली। मृतक की पहचान खानू गांव का रहने वाला जैद उद्दीन के रूप में की गई है। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मृतक को अगवा कर हत्या की गई थी। मृतक युवक को ऑटो में ले जाते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अनुमान है कि आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपहरण और हत्या का मामला दर्ज किया है। आज सुबह सूचना आई थी कि एक डेड बॉडी पड़ी मिली है और उस पर से जाकर देखा तो संबंध में उसका तस्दीक हुआ, तो तस्दीक पे क्लियर हुआ कि उसका एक मिसिंग पर्सन कायम था थाना गोविंदपुरा पर परसों रात में, और जैद नाम का बालक है, खानू गांव का रहने वाला है और इधर उस दिन परसों मेला देखने आया था और लौट के जा रहा था। उसी दौरान उनका चेतक ब्रिज के नीचे जो तिराहा है वहाँ पर एक ऑटो से एक्सीडेंट हुआ और उस पर से वीडियो फुटेज के आधार पर दिख रहा है कि थोड़ा सा उनके बीच में मारपीट वगैरह हुआ था। उसके बाद उसका साथ में एक दोस्त भी था शायद, वो भी था साथ में, बट वो निकल गया था आगे और ये रह गया था। और उसके बाद वो रात में जब रिपोर्ट करने आए थे तब पता लगा कि ये बंदा मिसिंग है, और किसने मारा, कौन मारा, क्या मारा, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि आरोपियों को। अगली खबर देखिए मनीष नामदेव की। रायसेन के देवरी में 2 महीने से नाबालिग छात्र लापता था। शिकायत पर कार्रवाई ना होने के कारण माता पिता थाने के सामने धरने पर बैठे। छात्र के पिता ने बताया कि बच्चे का स्कूल के छात्रों से विवाद हुआ था, जिसकी हत्या स्कूल के ही नाबालिग छात्रों ने की थी। पुलिस ने मृतक छात्र का सिर, हड्डियां, कपड़े बरामद कर नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया है। मृतक के परिजन आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। देखिए लगातार जब से ये गुमसुगी इसमें मुकदमा कायम हुआ था 363 धारा का, तब से लगातार जो भी जानकारी पुष्ट और या पुष्ट जो मिल रही थी उनको पुलिस ने अपने स्तर पर वेरीफाई किया था, और ये जो है जिन नाबालिगों से पूछताछ की गई है ये पुलिस के द्वारा, चूंकि उनके ऊपर शक पहले से ही था तो मनोवैज्ञानिक अधिकारियों से पूछताछ की गई है, तभी इस मामले का खुलासा हो सका। इंदौर में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां बाढ़ गंगा में एक महिला के साथ ऑफिस में काम करने वाले साथी ने शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई की। महिला के मुताबिक ऑफिस में ही काम करने वाले युवक ने अपना नाम राहुल बताकर उससे दोस्ती की और शादी का वादा कर दुष्कर्म किया, लेकिन जब महिला को पता चला कि राहुल का असली नाम मुश्ताक है और वो एक वर्ग विशेष से ताल्लुक रखता है तो उसने अपना नाता तोड़ दिया। इसी बात से नाराज मुश्ताक उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देता। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 376 और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया। उसके द्वारा ये शिकायत की गई कि वो एक वर्ष से एक उसके साथी कलीग के साथ, एक साथी के साथ यहाँ एक कंपनी में कार्यरत है, तो कंपनी में जो उसका साथी उसके साथ काम करता है, एक वर्ष पहले उसके पति की गैर मौजूदगी में उसने घर पे आकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया था। इसके बाद उसको जान से मारने की धमकी दी और किसी को ना बताने के लिए भी धमकी दी थी। लगातार वो उससे शादी का झांसा देकर, धमकी देकर एक वर्ष से दुष्कर्म कर रहा है। इंदौर के MIG थाना पुलिस ने लिव इन पार्टनर रॉबिन के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज किया। पीड़िता का आरोप है कि उसके लिव इन पार्टनर रॉबिन ने उसके साथ बलात्कार किया है। आरोपी ने पहले पीड़िता से शादी का वादा किया और उसके बाद उसके साथ रहने लगा। शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और अब वो शादी से इनकार कर रहा है। आरोपी रॉबिन सोशल मीडिया स्टार है, उसके लाखों फॉलोअर्स बताए जा रहे हैं। वही जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक का किसी अन्य युवती से रिश्ता हो गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कल थाना MIG पर एक पीड़िता ने लिखित आवेदन दिया था, उसमें आरोपी रॉबिन पिता मिथिलेश अग्रवाल निवासी महालक्ष्मी नगर के खिलाफ शारीरिक शोषण, शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के संबंध में आवेदन दिया था। आवेदन पे से एक कायमी हुई 376 की। सेंट मैरी स्कूल पर संस्कृत
संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी के साथ कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल को समझाइश देकर जबरदस्ती बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाने को ना कहा। चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि स्कूल में 90% सनातन धर्मी हिंदू बच्चे पढ़ने आते हैं, उसके बावजूद इस प्रकार के फरमान जारी कर दिए जाते हैं जिसका संस्कृति बचाओ मंच विरोध करता है। स्कूल में दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, होली नहीं मनाई जाती है, तो फिर क्रिसमस ट्री का स्कूल में इतना महत्व क्यों है? संस्कृति बचाओ मंच ने चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसा करने पर प्रशासनिक स्तर पर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ता सेंट मेरी स्कूल सेकंड स्टाफ पर जाकर इनके प्रिंसिपल से हमने बात करी और इन्हें समझाया है कि आप जबरदस्ती ये फरमान जारी ना करें कि हमारे बच्चे सांता क्लॉज बन के आए, क्योंकि यहाँ पर आपके यहाँ 90% बच्चे हिंदू समाज के और सनातन धर्मी पढ़ते हैं। साथ ही हमने ये भी कहा है कि आप जब 2 तारीख तक यहाँ पर छुट्टी लगा रहे हैं, 22 तारीख से 2 तारीख तक, दीपावली पर आप 2 दिन की छुट्टी देते हैं और अपने क्रिसमस पर 10-10 दिन की छुट्टी देते हैं, ये भेदभाव नहीं चलेगा। अगली खबर देखिए भूपेंद्र बरमंडलिया की। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी की ओर से उपराष्ट्रपति और राज्य सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी और कल्याण बैनर्जी के पुतले भी दहन किए गए। विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी और टीएमसी नेता कल्याण बैनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का जो हमारा पद होता है बहुत गरिमामय पद होता है। सांसद तृणमूल कांग्रेस के बैनर्जी ने जिस प्रकार से हमारे उपराष्ट्रपति का अपमान किया, हम झाबुआ जिले की ओर से हम उनका कड़ा विरोध करते हैं। छिंदवाड़ा के नगर निगम द्वारा एसपी बंगले के सामने से अतिक्रमण को हटाया गया। अधिकारियों को आदेशित किया गया कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाया जाए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत एसपी बंगले के सामने से अतिक्रमण हटाया गया और कैरेट की जब्ती बनाएगी। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। अतिक्रमण दस्ता प्रभारी ने सभी को समझाइश दी। आयुक्त महोदय के निर्देश पे शहर में जहाँ जहाँ अतिक्रमण है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। जहाँ जहाँ मांस फिल्म बिक रहा है और उसके अलावा फल फ्रूट की दुकान हुई जैसे और सब्जी बाजार अभी ये रोड से बाहर लगाते हैं मान लो, उनके ऊपर चालानी कार्रवाई की जा रही है, उनका सामान जब्त किया जा रहा है। और उसके अलावा जैसे फल फ्रूट ब्रिज के नीचे हुआ, जैसे पराठा वगैरह सेंटर हुए, फवारा चौक हुए, यहाँ पे आने वाले समय में अतिक्रमण की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए।